हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में पेशेंट को क्यों लॉन्ग टर्म तक फॉलोअप में रहने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग जानते हैं कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता क्या है। तो बेसिकली ये जो बीमारी है, मैंने पहले भी इस पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो डेंटल फैक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो बीमारी है वो मुख्यतया जो होता है गुटका च्यूअर, पान च्यूअर या फिर बिटल नट च्यूअर में होता है। मींस ऐसे लोग जो सुपारी को इन द रॉ फॉर्म या फिर गुटका के फॉर्म में या फिर पान कत्था चूना के साथ लेते हैं, तो ऐसे लोगों में ये मुख्यतया पाया जाता है। और ये जो बीमारी है इसमें सबसे जो प्रोग्रेसिव जो फैक्टर है जो इस बीमारी को आगे बढ़ाता है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपका एक्सेसिव कोलेजन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो कोलेजन एक्सेस अमाउंट में बनता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है, यानी कि जो आपके गाल की सतह है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोलेजन के एक्सेस प्रोडक्शन से वो एरिया स्टिफ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में जो फाइब्रोब्लास्ट जो सेल हैं जो हमारे डीपर लेयर में पाए जाते हैं, वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में उसका प्रोडक्शन होता है कोलेजन का। तो धीरे धीरे जो केमिकल रिलीज होती है वो केमिकल जो है कोलेजन का क्रॉस लिंकेज करवाती है, जिसके कारण से जो त्वचा है वो स्टिफ हो जाती है। और जिसके कारण क्या होता है, जो आपकी वैस्कुलैरिटी है, यानी कि जो आपके गाल के सतह में जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो जहाँ भी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होता है उस एरिया में बहुत सारा जो आपको वाइट दिखेगा, यानी कि ब्लेंचिंग दिखेगा, मींस जो टिश्यू है वो गुलाबी ना दिख करके वाइटिस अपियरेंस दिखेगा, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लेंच्ड म्यूकोसा। तो ये जो ब्लेंच्ड म्यूकोसा है उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि पर्सन को जो है लगातार रिकरेंट जो है यहाँ पे पर्सन को अल्सरेशन की समस्या हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे अगर वो कुछ भी खाते हैं या पीते हैं हार्ड फूड या गर्म चीज़, तो वो जो म्यूकोसा का सॉफ्टनेस था, जो प्लायबिलिटी थी, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, वहाँ पे स्टिफनेस आ चुकी है। तो वहाँ पे बार बार कटने छिलने की समस्या बनी रहती है, और जो वैस्कुलैरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होने से जो अल्सरेशन है वो फ्रीक्वेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे चूँकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम है तो हीलिंग भी आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अभी मैं एक केस यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ये जो पेशेंट है ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं, और इनका जो है काफ़ी जो लंबे समय का हिस्ट्री है गुटका का, लेकिन अभी इनके हिस्ट्री में गुटका शामिल नहीं है, मीन्स इन्होंने गुटका को क्विट कर रखा है और ये स्मोक करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोनिक एग्रेवेटिंग फैक्टर था गुटका वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्मोकिंग कंटिन्यू है। जब स्मोकिंग यहाँ पे है तो जो इरिटेटिंग फैक्टर है वो मौजूद है ओरल कैविटी के अंदर, तो कोई भी इस प्रकार का जो क्रोनिक स्टिमुलस है वो अगर आपके माउथ के अंदर है और वो लगातार पेशेंट के माउथ के अंदर परसिस्ट कर रहा है, तो जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो कई बार अचानक से सीवियर हो जाता है। मीन्स इन पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो 3-4 महीने पुराने अल्सर की हिस्ट्री है, जो कि इनके जो लेफ्ट साइड के जो मोलर टीथ है, पोस्टीरियर मोलर, यानी कि जो आपका विजडम टूथ होता है, वहाँ पे या इनका फ्रीक्वेंट कट होता है। फ्रीक्वेंट कट होने के कारण जो है अल्सरेशन की प्रॉब्लम हुई, और पेशेंट जो है उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे इस अल्सरेशन को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इन्होंने हैबिट को छोड़ रखा है तो इन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन्हें इन अल्सरेशन की जो समस्या हुई इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो जो यहाँ पे एग्रेवेटिंग फैक्टर पहले गुटका वर्क कर रहा था वो अब स्मोकिंग कर रहा है, जिसके कारण से पेशेंट का नॉन हीलिंग अल्सर यहाँ पे बन गया है। और पेशेंट को जो है यहाँ पे बायोप्सी के लिए ही भेजा गया था। तो ये जो केस दिखाने का यही पर्पस है कि अगर आप गुटका को की हैबिट क्विट कर रहे हैं और साथ में उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, यानी कि गुटका के अलावा यदि आप टोबैको ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये आपका हैबिट जो है कंटिन्यूस स्टार्ट है। कंटिन्यूस जो आपकी म्यूकोसा है, जो आपकी सॉफ्ट टिश्यू है गाल की, उसको इरिटेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे इरिटेशन कई बार एग्रेवेट हो जाता है, कई बार यहाँ पे जो अल्सरेशन है वो नॉन हीलिंग अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है इग्नोरेंस के कारण। तो यहाँ पे इस वीडियो
बनाने का यही पर्पस है कि अगर आपने हैबिट को क्विट किया है तो कम्प्लीटली क्विट करें, क्योंकि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। मीन्स जो आपकी एपिथीलियम है उसके नीचे जो सेल्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जो ये प्रॉब्लम हुई है उसको और ज़्यादा इरिटेट ना करें, और अगर आपने हैबिट है किसी भी प्रकार का तो उसे कम्प्लीटली क्विट करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।